देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और करीब 100 लोगों की मौत हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक कुल कंफर्म केस की संख्या 67,152 हो गई है, जिसमें 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,917 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 44,029 है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां अब तक 22,171 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 832 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,199 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। यहां अब तक 8,194 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 493 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है। यहां अब तक 7,204 केस की पुष्टि हुई है, जिसमें 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 7,000 पहुंच गया। यहां अब तक 6,923 मामले आए हैं, जिसमें 73 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान में अब तक 3,814 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 107 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 3,614 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 215 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब यहां मरीजों की संख्या 3,467 हो गई है, जिसमें 74 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 1980 मामले, 45 की मौत। अंडमान निकोबार में 33 मामले, अरुणाचल प्रदेश में 1 मामला, असम में 63 मामले, 2 की मौत। बिहार में 696 मामले, 6 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में 169 मामले, छत्तीसगढ़ में 59 मामले, गोवा में 7 मामले, हरियाणा में 703 मामले, 10 लोगों की मौत और हिमाचल प्रदेश में 55 मामले, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 861 मामले, 9 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 157 मामले, 3 लोगों की मौत। कर्नाटक में 848 मामले, 31 लोगों की मौत, जबकि केरल में 552 मामले, 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख में 42 मामले, मणिपुर में 2 मामले, मेघालय में 13 मामले, 1 की मौत, मिजोरम में 1 मामला और ओडिशा में 377 मामले, 3 की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुदुचेरी में 9 मामले, पंजाब में 1,823 मामले, 31 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में 1,196 मामले, 30 लोगों की जान जा चुकी है। त्रिपुरा में 150 मामले, उत्तराखंड में 68 मामले, पश्चिम बंगाल में 1,939 मामले, जबकि 185 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।